आप सभी अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप दैट आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। एक बारी बता दो फटाफट से। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम हमेशा 5 मिनट लेट? नहीं यार, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है। बिल्कुल टाइम पर हूँ मैं। हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि मैं 5 मिनट लेट आती हूँ। कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर वो बात अलग है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग एकदम फैंटास्टिक हैं। जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सभी? फटाफट से आ जाओ यार, क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाएं और हम लोग हमारी सिल्क रोड की एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी? अब कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मैं कल भी ठीक थी यार, बस गले से आवाज़ नहीं आ रही थी, बट ठीक है। अभी होता है ना, जब आप नहीं बोलते हो तो गला ठीक हो जाता है, फिर अभी बोलूँगी तो फिर से गला वैसी हो जाएगा, तो ठीक है। मैम आपको मेरा मैसेज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। ताबड़तोड़ ओपी, बिल्कुल ओपी। तो फटाफट से गाइस जल्दी जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे थे, सिल्क रोड। उसके अलावा आपका जितना भी सिलेबस है क्लास 11th वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, राइट? और आपको वो प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। चलो शुरू करें फिर। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट क्लास में मौजूद थे? How many of you are there? एक सेकेंड। तो भाई मैम हाफ ईयरली में 4 दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जल्दी जल्दी बता दो भाई कितने ऐसे बच्चे थे जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, जिन्होंने सिल्क रोड की जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्टार्टिंग में ही सुना है। एक बारी लेट मी जस्ट टेल। ओके चलो ठीक है, सब लोग मतलब ऑलमोस्ट सब लोग थे। तो आज हम लोग बेटा सिल्क रोड की एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? जो लास्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो मैं बता देती हूँ, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था। सो यहाँ तक बेटा हमने लास्ट क्लास में अपना पढ़ लिया था, ठीक है? सो यहाँ पर बेसिकली एक ट्रैवलॉग है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारे नरेटर हैं वो कौरव परफॉर्म करने जा रहे हैं कैलाश की तरफ, और उन्होंने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करा है ना, कि किस टाइप से उनके पूरी जर्नी में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज का सामना उन्हें करना पड़ता है, एंड कैसे वो कौरव पहुँचते हैं। तो इसी के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। आदि है, जैसे जैसे ये चैप्टर चल रहा है हमें लग रहा है कि हम भी इनकी जर्नी में यू नो आगे आगे पहुंचते जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं फटाफट से हम लोग। जितने भी बच्चों ने यार क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया फटाफट से कर दो। कल हमारा पेपर है इंग्लिश का। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, मचा के आना एकदम, ठीक है? चलो सो शुरू करते हैं बच्चों। अब आगे क्या होता है उसको अपन समझते हैं। I joined Daniel as Satan stepped onto the encrusted snow. Encrusted का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, gathered in a heap, यानी कि ऐसे ढेर इकट्ठा हो जाना स्नो का, है ना? इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था कि भाई उनको रास्ते में स्नो मिल गई है ना, जो बर्फ है, बर्फ की वजह से उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। ये अपन ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि the rock along sides of the road were very steep. It was not possible to climb the vehicle on this and move ahead of the snow patch. तो पॉसिबल नहीं था कि वो लोग उस स्नो से भरी रोड पे अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा पाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे क्या लिखा है? I joined Daniel as Satan stepped onto the encrusted. Encrusted मतलब ढेर स्नो, and began to slither. Slither मतलब smoothly move करना। सारे एक बच्चे ने कमेंट किया था मैम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बता दीजिए, तो यहाँ पर बेटा साइड में ना सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लिखे होते हैं। ये स्लाइड्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हो। तो ये वहाँ पर अवेलेबल होते हैं ये वर्ड मीनिंग्स, जिसे आप आराम से देख सकते हो। ठीक है मेरी जान? हाँ। सो एंड बिगेन टू स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड स्टैम्पिंग हिज फीट। स्टैम्पिंग क्या होता है? इससे पैर से ठप ठप करते हुए जाना। फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असरटेन। असरटेन क्या होता है? अंडरस्टैंड हाउ स्टडी, स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग इट वॉज। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, वी वर एट 5 to 1 0 मीटर्स अबव सी लेवल। अब यहाँ पर क्या बोला गया है उसको ना अपन यहाँ समझेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है। ठीक, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई मैं मेरे जो व्हीकल है, जो कार है, उससे उतरा। हमारे नरेटर हमें बता रहे हैं कि भाई मैं मेरी कार से उतरा एंड मैं डेनियल के पास जाकर खड़ा हो गया, यानी कि जो मेरा दोस्त था। अब जो उसका दोस्त और ड्राइवर थे वो नीचे ऐसे स्नो को देख रहे थे ना कि अच्छा स्नो मिल गई अब तो हमें, है ना। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैं भी अपने दोस्त डेनियल के पास जाके खड़ा हो गया। और जो सेटन है यानी कि जो हमारा ड्राइवर है, वो किस पे खड़ा था? स्नो के हीप यानी कि ढेर पे खड़ा हुआ था। ठीक है, स्नो से ऐसे ढेर बन चुका था और हमारा ड्राइवर स्नो के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ था। He started moving his feet on snow to move it sideways. अब ना वो क्या कर रहा था? इसे पैरों से ना यूं यूं, अब तुम्हें मेरे पैर तो दिख नहीं रहे होंगे, तो पैरों से वो ऐसे ऐसे करके स्नो को हटा रहा था। ठीक है बेटा, अब आगे क्या हुआ? From time to time he was hitting the snow with his foot to understand how strong the snow was. ये समझने के लिए कि आखिर में वो जो स्नो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कर रहा था, ऐसे पैर से स्नो को हटाने की कोशिश कर रहा था। अब नरेटर बोलते हैं कि मैंने मेरी घड़ी की तरफ देखा और उस पे घड़ी में ही मुझे पता चल रहा था कि हम लोग कितनी हाइट पे हैं। तो हम लोग सी लेवल से कितना ऊपर थे? 5210 मीटर्स ऊपर थे हम लोग सी लेवल पे। ठीक है, सी लेवल से। अब आगे क्या हुआ? द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप्थ, डेनियल सेड, सो मच एज इट्स आइजी टॉप लेयर। इफ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, ही सजेस्टेड, एज वी सॉ सैटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट And fling, fling मतलब क्या होता है? इसे फेंक देना। Them across the frozen surface, क्या मतलब है बेटा इसका? तो यहाँ पर हमारे नरेटर हमें ये बताना चाहते हैं कि the depth of the snow, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्नो बहुत गहरी हो, स्नो काफी, ऐसा नहीं है कि स्नो बहुत अंदर तक हो, तो डेप्थ नहीं थी उसकी, इतनी इतनी ज्यादा डीप नहीं थी वो। बट जो डेनियल है, जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे एडवाइस किया कि भाई जो डेंजर है ना वो डेप्थ में नहीं है, जो डेंजर है ना वो अंदर नहीं है। द टॉप सरफेस ऑफ द स्नो, बोल रहा है कि जो स्नो का टॉप सरफेस होता है ना भाई, वही बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। तो खतरा ये नहीं है कि बर्फ कितनी ज्यादा डीप है, खतरा ये है कि भाई जो टॉप लेयर है ना वो काफी ज्यादा स्लिपरी है। ठीक है, एंड वो ज्यादा डेंजरस है। हमारी कार, अगर हम इस स्नो के ऊपर से अपनी कार को लेकर जाते हैं तो हमारी कार स्लिप हो सकती है। आपने भी देखा होगा ना, अगर आप, हम लोग भी गए हैं यार पहाड़ों वाली साइड, है ना, अगर हम स्नो के ऊपर से अपनी कार लेकर जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा खतरा रहता है कि वो स्लिप हो सकती है। तभी आपने देखा होगा वहां पे कोई हैवी ड्राइवर बनने की कोशिश नहीं करता है ना, वहां पर कम स्पीड में ही रखा जाता है कार्स को ताकि वो स्लिप ना हो जाए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? जल्दी जल्दी बताओ। All right, just a second. Okay, चलो जी, ठीक है। चलो, अब आगे क्या हुआ? तो उसका दोस्त बोलता है भाई देख, पता है क्या हो सकता है कि हमारी कार चले और वो स्लिप हो जाए। तो यहाँ पे ये खतरा है कि भाई हम लोग ऐसे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अब क्या होता है, जो उनका ड्राइवर होता है वो अपनी मुट्ठी में ना कुछ डस्ट ले लेता है। ठीक है बेटा, क्या ले लेता है? डस्ट ले लेता है अपनी मुट्ठी में। एंड ही स्प्रेड इट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्नो, और वो क्या करता है, जो स्नो है ना उसके ऐसे सरफेस पे डाल देता है। ठीक है, जो स्नो है उसके सरफेस पे क्या डाल देता है? डस्ट डाल देता है। ठीक, अब आगे क्या हुआ लेट्स सी। वी बोथ पिच्ड इन, पिच्ड इन मतलब क्या होता है कि भाई हमने भी हाथ बढ़ा दिया, हमने भी मदद कर दी, ठीक है। सो वी बोथ पिच्ड इन, तो बोल रहा है हमारा ड्राइवर तो कर ही रहा था, पर मैंने और मेरे दोस्त ने, डेनियल ने, हम दोनों ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। And when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface, and slowly drove its length without apparent difficulty. Apparent मतलब visible, जो चीज आपको दिख पाए। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, हमारे नरेटर बोल रहे हैं कि उन्होंने भी क्या कर दिया, अपने ड्राइवर की मदद करना शुरू कर दिया, ठीक है। बेटा डस्ट भी तो होगी ना रितिका, नीचे जब आप चलोगे बेटा रोड पे तो थोड़ी मिट्टी तो आपको मिली जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं हमने भी उसकी हेल्प करना शुरू कर दिया, तो हमने ना स्नो के ऊपर पूरा सॉइल डाल दिया। अब मैं और डेनियल कार से बाहर ही रहे। ये उन्होंने क्यों डाला था स्नो के ऊपर सॉइल, क्योंकि भाई अगर वो खाली स्नो के ऊपर अपनी गाड़ी चला देते तो वो स्लिपरी हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा वो स्लिपरी हो जाता, स्लिप करने लगता। तो उन्होंने पहले बर्फ़ के ऊपर थोड़ी सी रेत डाल दी और उसके बाद ताकि ड्राइवर पे इतना लोड ना पड़े तो वो और उनका जो फ्रेंड है डेनियल वो बाहर ही रहे कार से, ठीक है बेटा, हाँ वो कार से बाहर ही रहे। अब आगे क्या हुआ, ताकि भाई ज़्यादा वेट ना पड़े कार पे, अब जो उनका ड्राइवर है उसने क्या करा, ड्रोव बैक टू मूव द व्हीकल स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्नो, थोड़ा सा कार को पीछे लेकर गया। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे लाया और कार को स्नो के ऊपर से ले जाने की उसने कोशिश करी, बहुत धीरे धीरे। ही क्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द स्नो, और ऐसे करते करते उसने पूरा का पूरा जहाँ पर स्नो था उस पूरे एरिया को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। इट अपीयर्ड टू अस दैट इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, और वो बोल रहे हैं कि हमें बाहर खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि अब यार ये तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सही है, ठीक है, दैट इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मैं सही हूँ बच्चा, मैं सही हूँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही है, मेरा थ्रॉट सही है, वो ज़्यादा ओवर बोलने की वजह से बेकार हो जाता है, ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर, आई होप कि यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। फटाफट से बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, 10 मिनट्स लेटर वी स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्या होता है, और कुछ हो जाना, और कोई प्रॉब्लम आ जाना, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ठीक है। Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive round the snow. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई वहाँ से हम लोग निकले, 10 मिनट तक सारी चीज़ें सही रही। अब 10 मिनट के बाद क्या हुआ, जो हमारा ड्राइवर है उसने दोबारा से कार रोक दी, क्योंकि उसने बोला कि सर एक और ऑब्स्ट्रक्शन, एक और ब्लॉकेज, एक और परेशानी आ गई है। एंड वो दोबारा से कार से बाहर आया और उसने पूरे ऐसे सिचुएशन को वो एग्जामिन कर रहा है कि अरे 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 अब दोबारा से स्नो मिल गई। उसने इस बार डिसाइड किया टू ड्राइव द कार अराउंड द स्नो, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, द स्लोप वॉज वेरी स्टीप एंड स्टडेड विद मतलब फुल ऑफ मेजर रॉक्स, यानी कि बहुत ज्यादा जो रॉक्स होती हैं, जो पत्थर होती हैं, उनसे भरा होना। अभी हम इसका मतलब देखेंगे पूरा। But somehow Satan negotiated them. Negotiated मतलब किसी तरीके से वहां से वो पास हो गया। His four-wheel drive vehicle lurching यानी कि jumping over from one obstacle to the next. In so doing he cut off one of the hairpin bends. Hairpin bend मतलब बहुत ही sharp curve, बहुत ही ज्यादा sharp turn. ठीक, regaining the trail further up where the snow had not drifted. Drifted मतलब फैला होना। अब इन सारी लाइंस में बात क्या हो रही है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो बोला जा रहा है अब द स्लोप वॉज वेरी स्टीप, द पाथ वॉज फुल ऑफ रॉक। अब ग्रेट डिफिकल्टी थी, एक तो रोड बहुत ज्यादा पिचका हुआ है, छोटा है, ऊपर से रोड पे पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। अब क्या हुआ भाई, बहुत डिफिकल्टी के बाद वो जो ड्राइवर है वो उन रोड से गाड़ी बाहर निकाल के लाया। अब ऑब्वियसली अगर अनइवन रोड है, अगर रोड पे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, तो आपको भी पता है गाड़ी बार बार उछलेगी, है ना, गाड़ी स्ट्रेट तो नहीं जा पाएगी, तो गाड़ी क्या होगी बेटा, बार बार उछलती जाएगी। सो यहाँ पर भी यही लिखा है कि जंपिंग ओवर मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑफ द अनइवन रोड ही नेगोशिएटेड सेवरल शार्प बेंड्स, बहुत सारे शार्प टर्न से, शार्प बेंड से होकर उसको निकलना पड़ा। एंड फाइनली वी रीच्ड अ पोर्शन ऑफ द रोड विच डिड नॉट हैव अ स्नो ऑन इट। तो बोलता है कि फाइनली हम उस रोड पर आ गए अब जिस पर स्नो नहीं थी, यानी कि भाई इतने संघर्ष के बाद, है ना, इतने संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए फाइनली कि अब हमें रोड पे स्नो नहीं दिख रही है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? मैम 25 अक्टूबर से मेरे एग्जाम्स हैं। ऑल राइट, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे क्या हुआ? I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. तो बेटा throb का मतलब क्या होता है? Pain होना, बार बार fluctuate होके pain होना, ठीक है, बार बार ही pain होना। Horribly मतलब बहुत ज्यादा। Gulp मतलब क्या होता है? हल्की हल्की सिप लेना। From my water bottle which is supposed to help a rapid ascent, ascent मतलब upward climb। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? वो बोलता है कि मैं दोबारा से अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग लगातार ऊपर हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि पहले मैंने देखा था तो हम लोग सी लेवल से कुछ 5,000 ऊपर थे, फीट ऊपर थे। अभी मैं देख रहा हूँ तो हम लोग लगातार ऊपर 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 बढ़ते जा रहे हैं। सनशाइन वॉज ब्राइट, यानी कि सूर्य भी चमक रहा था। एंड हम लोग अब 5,400 मीटर्स अबव सी लेवल पहुंच चुके थे। तो अब क्या हुआ? अच्छा, ऐसा ना होता है कुछ लोगों को, जैसे आप हाइट पे जाते हो ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे सर में ना एक अजीब सा पेन होना शुरू हो गया, ठीक है, अजीब सा रुक रुक के वो जो टीस मारता है ना पेन, वैसा पेन मुझे होना शुरू हो गया। अब ऐसा पेन इसलिए होता है कि मे बी कोई एकदम से जल्दी जल्दी ऊपर हिली रीजन की तरफ जाता है तो ऐसा पेन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती है ऊपर हिल साइड रहने की। आई टुक सम स्विग्स ऑफ वाटर, वो बोलता है कि मैंने कुछ सिप ऑफ वाटर पिया, मतलब कुछ सिप्स मैंने लिए। एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ऐसे रुक रुक के थोड़ा पानी लो तो ऐसे पेन में आपको रिलीफ मिलता है, हेल्प मिलता है, ऐसा बोला जाता है। अब आगे वो बोल रहा है कि भाई फाइनली हम लोग कहाँ पहुंच गए? घाटी में पहुंच गए जो 5515 मीटर्स ऊपर थी। एट द टॉप ऑफ अ हिल्स, अब हिल के ऊपर एक ढेर लगा हुआ था स्टोन्स का, ठीक है, एंड उन्हें डेकोरेट कर रखा था व्हाइट कलर के कपड़ों से और कुछ झंडों से जो कि प्रेयर्स में यूज होते हैं। वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि फाइनली वो कहाँ पर आ गए हैं बच्चों? ऊपर आ गए हैं, टॉप ऑफ द वैली, बिल्कुल घाटी के एकदम ऊपर आ गए हैं। एंड वहां पर वो देख रहे हैं कि कुछ स्टोन पे ना व्हाइट कलर का कपड़ा चढ़ा हुआ है और कुछ फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या हुआ? तो वो बोलते हैं वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कैन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज द ट्रेडिशन एंड सेटन चेक द टायर्स ऑफ हिज व्हीकल। तो अब ना वहाँ पर भी वो एक परंपरा थी कि ऐसे कुछ उनके आसपास घूमते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग गाड़ी से उतरे, हम लोग वो कर रहे थे और हमारा जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा था? टायर्स चेक कर रहा था कार के कि भाई सब सही है कि नहीं। हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे एंड सेटन ने क्या करा, जो पेट्रोल, जहाँ से पेट्रोल भरता है गाड़ी में, उसकी जो लिड है, जो ढक्कन है, वो थोड़ा सा खोल दिया। एंड आपने भी देखा होगा, आप अगर आप लोग जाते हो अपने पापा वगैरह के साथ पेट्रोल भरवाते हो तो जब भी अपन खोलते हैं ना तो एक हिस का साउंड आता है, राइट। और अगर आप हिली रीजन्स में खोलोगे तो और ज़्यादा आएगा, तो एक एक साउंड सा आता है उसे खोलते हुए। तो यहाँ पर वही चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। अब आगे क्या हुआ? अब बताया जा रहा है कि भाई क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोअर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट हाई ऑल्टीट्यूड, ये लोग हाई हाइट पे हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों वो क्या है, वो कम हो रखा है। एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल वाज इंक्रीजिंग। आई थॉट इट वाज डेंजरस, कि मुझे तो लगा कि भाई ये खतरनाक बात है, बट जो हमारा ड्राइवर है वो हंसने लगा एंड उसने बोला कि पेट्रोल ऐसे जलना नहीं शुरू कर देगा, बर्न होना शुरू नहीं हो जाएगा। बट वन शुड नॉट स्मोक, बट जब लिड खोल रखी है, जब पेट्रोल भरवा रहे, तो आपको आसपास बस स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? माई हेड एक सून क्लियर एज वी करियर डाउन, carried down मतलब जल्दी जल्दी, moved quickly the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles inside a long canvas tent. कैनवास टेंट पता है ना आपको किस टाइप के होते हैं, जिस टाइप की ये फोटो लगी हुई है, ठीक है, या पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड, इरेक्टेड बिसाइड मतलब बिल्ड करना, बना हुआ, नियर अ ड्राई सॉल्ट लेक. तो बेटा अब इस पूरे का क्या मतलब है अपन यहाँ समझेंगे. तो वो बोल रहे हैं कि वैली जैसे मतलब मान लो ऐसे चल के और ऐसे, ठीक है, तो अभी तो वो ऊपर की साइड जा रहे थे, फिर वो यहाँ पे रुके, अब वो यहाँ इस तरफ आ रहे हैं, समझ रहे हो. तो वो बोल रहे हैं कि हम वी क्विकली क्लाइम डाउन टू द अदर साइड ऑफ द वैली, और क्योंकि अब हम नीचे की तरफ वैली के दूसरी साइड जा रहे थे, तभी तो फिर दूसरी साइड से ऊपर चढ़ेंगे. तो वो बोल रहा है कि मेरा जो हेड, जो मेरा सर में दर्द हो रहा था, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो चुका है. वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हम लोग लंच के लिए 2 बजे के आसपास रुके, हमने नूडल्स खाए, और जो होटल था मतलब कहाँ बैठ के खाए हमने, टेंट में, ठीक है. इट वॉज मेनली फॉर द पीपल वर्किंग इन नियर बाई ड्राई सॉल्ट लेक. तो आस पास में ही एक ड्राई सॉल्ट लेक था जहाँ पे लेबर्स वगैरह वर्क करते थे, तो उन लोगों के लिए एक छोटी सी जगह बना रखी थी कि वो आकर खा ले, तो हमने भी वहीं पर रुक कर अपना खा लिया. Got it everyone? All right. Next, because of lower pressure of atmosphere at high altitude. अच्छा ये तो हमारा हो गया. अब आगे देखो क्या बात हो रही है. The plateau is pockmarked. Pockmarked क्या होता है बेटा? Existing at many places. ठीक है? With salt flats and brackish lake, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the Great Continental Collision that lifted it skyward. अब अगर आप इसे पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर आप आकर इसको वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा. ठीक, अब यहाँ पर लिखा क्या है इसमें पहले इसको समझना जरूरी है. देखो क्या लिखा है कि इन द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आपको बहुत सारी ना ड्राई फील्ड्स मिल जाएंगी, किसकी? सॉल्ट की, ठीक है, और लेक्स भी मिल जाएंगी ऑफ सॉल्टी वाटर. ये क्या इंडिकेशंस हैं कि एक बारी मतलब वंस, ठीक है, पहले जो तिब्बत था दैट वाज क्लोज टू थिट्स ओशियन, बट एक बहुत बड़ा चेंज ऑकर हुआ अर्थ पे, और ये जो एरिया था ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया और अब ये एक हिली रीजन में आ गया. ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप केवल इतना याद रखो, ये बताया जा रहा है कि जिस एरिया में ये थे उसके आसपास बहुत सारी सॉल्ट लेक्स थी. ठीक, अब आगे क्या हुआ? तो बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे इस सॉल्ट लेक के आसपास. जो मेन थे दे वर हैविंग पिक्सेसेस एंड शॉवल्स, इस तरीके के जो औजार जरूरी हैं वहाँ काम करने के लिए, तो वो औजार उनके पास थे. एंड वो लोग क्या कर रहे थे? धीरे धीरे आगे जा रहे थे, धीरे धीरे पीछे आ रहे थे, यानी कि अपने काम में कंप्लीटली टोटली इंडल्ज थे. उन्होंने बड़े बड़े लॉन्ग कोट्स पहन रखे थे जो कि शीप स्किन के बने हुए थे, और उनके जो बूट्स थे यानी कि जो उन्होंने नीचे जूते पहन रखे थे, बूट्स पहन रखे थे, दे वर टोटली कवर्ड विद सॉल्ट. ठीक है, वो पूरे नमक से कवर्ड हो रखे थे क्योंकि ऑब्वियसली दे वर वर्किंग इन अ ड्राई सॉल्ट लेक. अब आगे क्या हुआ? सारे के सारे जितने भी लोग थे उन्होंने गॉगल्स भी पहन रखे थे, ताकि अब देखो नीचे क्या है, लेक जो है वो ड्राई हो चुकी है ना, जम चुकी है, उस पर सनशाइन आएगी एकदम से, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर देयर आईज. तो उन्होंने क्या कर रखा है? गॉगल्स पहन रखे हैं. अ लॉन्ग लाइन ऑफ ब्लू कलर वाज रेगुलरली कमिंग आउट ऑफ द लेक. ठीक है, क्योंकि जब सनशाइन पड़ रही है लेक पे तो एक ब्लू कलर की जो रे है वो लेक से जनरेट हो रही है जो कि हार्मफुल है फॉर द आईज. तो उनकी आंखों को कोई नुकसान ना हो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है? गॉगल्स पहन रखे हैं. एंड या यहाँ पर लिखा हुआ है With the piles of the salt, ठीक है, alright. Piles का मतलब क्या होता है? ढेर, भूलना मत. Heap क्या होता है? ढेर. जैसे हमने क्लास 10 में footprint without feet वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था ना कि भाई वो heap of quills पे सो गया, right? जो ग्रिफिन था हमारा, तो उसका क्या मतलब होता है? ढेर. तो यही लिखा है all wore sunglasses against the glare as a steady stream. Stream मतलब line of blue trucks. Trucks in the senses कि वो ब्लू एकदम पतली सी जो लाइन थी वो एमर्ज हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं अगर वो उनकी आंखों में आती. एंड कहाँ से एमर्ज हो रही थी? लेक से. लेक किससे भरी हुई थी? फुल ऑफ सॉल्ट. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट, अब क्या हुआ बच्चों? By the end of the afternoon, we had reached a small town hall. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. लिखा है दोपहर तक यानी कि आफ्टरनून में हम लोग एक छोटे से टाउन में पहुंच गए. उस टाउन का नाम क्या था बेटा? उस टाउन का नाम था हॉर. नाउ वी वर अगेन ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे. तो अब वो हाईवे वाली साइड आ गए थे, एक छोटे से टाउन में पहुंच गए थे. टाउन का नाम था हॉर. अब इस रूट से क्या होता है कि लहासा और कश्मीर के बीच में जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज है ना, वो होती है. तो वो उस हाईवे पे पहुंच गए थे. अब डेनियल यहीं तक का साथी था जो इनका दोस्त था. डेनियल यहाँ से दोबारा वापस जा रहा था लहासा, उसे काम था. उसने एक ट्रक वहाँ पे जा रहा था तो ट्रक से लिफ्ट मांग ली और वो वापसी के लिए निकल गया. सो वी सेड गुड बाय टू हिम एंड वी वर एट द टायर रिपेयर शॉप. कि मैं और जो मेरा ड्राइवर है वो तो टायर रिपेयर शॉप पे थे, और जो डेनियल था यानी कि जो मेरा साथी था वो अपना निकल गया कहाँ पर? वापस लहासा के लिए. ठीक है, अब आगे क्या हुआ? We had suffered two punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. Spare मतलब extra. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. अब यहाँ पे बच्चों क्या बात हो रही है पूरी की पूरी, उसको समझते हैं. लिखा है जब हम लोग सॉल्ट लेक से वापस मतलब सॉल्ट लेक से आगे की तरफ चल रहे थे, आगे की तरफ आ रहे थे, तो हमारी व्हीकल में ना दो पंचर हो गए एक के बाद एक. यानी कि जो हमारी कार है उसमें एक के बाद एक दो पंचर हमें सहन करने पड़े. एंड जो मेरा ड्राइवर था भाई उसे बहुत बेसब्री हो रही थी. ही वॉज वेरी ईगर कि मैं फटाफट से इन दोनों को फिक्स करा लेता हूँ, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी एक भी बेटा एक्स्ट्रा टायर नहीं बचा था. सो ही वाज लाइक यार अगर ये भी चला गया तो फिर गाड़ी आगे कैसे जाएगी, अपन तो फंस जाएंगे, है ना. तो ही वाज वेरी ईगर कि मैं इसको फटाफट से फिक्स करा लेता हूँ क्योंकि हमारे पे कोई भी एक्स्ट्रा टायर नहीं है. इसके अलावा जो सेकंड टायर था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, तो इसीलिए एक तो वैसे ही स्नो पे चल रहे हैं, दूसरा टायर भी स्मूथ है ना. और यहाँ पे नरेटर ने बताया कि बिल्कुल बॉल मतलब एकदम गंजा, जैसे मेरा सर गंजा है ना एकदम स्मूथ, वैसे ही टायर भी बहुत स्मूथ हो गया था. तो ऑब्वियसली हम स्लिप कर जाते हैं, इसीलिए बेटर है कि पहले हम लोग टायर को फिक्स करा लें और फिर हम लोग अपने आगे की जर्नी करें. ठीक है, हाँ. और बेटा एक जगह है, एक टाउन का नाम यहाँ पे बताया गया है. अब यहाँ पे इस विलेज के बारे में बताया हुआ है कि इट्स अ ग्रिम. ग्रिम मतलब बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा. ठीक है, नरेटर को ये टाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उन्होंने बोला यार ये बड़ा ही एकदम गंदा सा टाउन था. सो द हॉर विलेज वाज एन अनअट्रैक्टिव एंड हॉरिबल प्लेस, ऐसे बोल रहे हैं हमारे नरेटर. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन, कोई भी ट्रीज, कोई भी ग्रीनरी आपको देखने के लिए इस टाउन में कतई नहीं मिलेगी. ठीक है, ईगर मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा उत्सुक. ठीक है, कि भाई पहले रिपेयर करा लेते हैं, बहुत उत्सुक था वो उस चीज के लिए. तो यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, केवल वो बोले जा रहे हैं कि केवल डस्ट, केवल पत्थर, यही सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, जो कि लिबरली मतलब गुड क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी में स्प्रेड हो रखा है, फैल रखा है. विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, एक्यूमुलेटेड मतलब गैदर, के सालों से गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हो रही है. एंड इकट्ठी हो के अब वो इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई है कि ये पूरा का पूरा गाँव ही अपने को बेकार लग रहा है. ठीक है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है. बिकॉज दिस टाउन वॉज वेरी क्लोज टू लेक मानसरोवर. तो बोला जा रहा है कि ये जो होर जगह है ये लेक मानसरोवर से बहुत पास है, और लेक मानसरोवर को तो हम कितना ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं, है ना, पवित्र मानते हैं. तो वहाँ से तो ये बहुत ही ज़्यादा पास है, और सोचो कि इसकी हालत कैसी हो रखी है. दिस लेक इज़ वर्शिप्ड इन तिब्बत, है ना, इस लेक की पूजा की जाती है, पूजा जाता है, वर्शिप किया जाता है तिब्बत रीजन. और इसी लेक के पास, लेक मानसरोवर के पास ही ये हॉर नाम का टाउन है. और यहाँ पर क्या हो रहा है? इतनी गंदगी, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं, जस्ट डस्ट, जस्ट गार्बेज. तो हमारे नरेटर को ये जो टाउन था बच्चों कतई पसंद नहीं आया. ठीक है, बोलता है भैया नहीं हो पाएगा. ऑलराइट, आगे. अब एंशिएंट हिंदू and Buddhist culture regards Mansarovar as origin of four great Indian rivers. तो बताया गया है कि भाई अगर आप हमारे टेक्स्ट पढ़ोगे, है ना, या फिर आप अगर पहले के हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर को उठा के देखोगे तो मानसरोवर को बोला गया कि ओरिजिन मतलब वहां से ओरिजिनेट होती है नदियां. ठीक है, कौन सी? इंदस, गंगा, सतलेज एंड द ब्रह्मपुत्रा. तो चार मेन नदियों का जो सोर्स है वो क्या है? मानसरोवर, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, ये बोला जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब आगे क्या हुआ, लिखा है Only the Sutlej River starts from Lake Mansarovar. All other river originate from the other sides of Mount Kailash. अब आगे आपको और ज्यादा क्लियरिटी दे रखी है, बोल रखा है कि लेक मानसरोवर से जो शुरू हो रही है ना वो केवल आपकी सतलेज है, बाकी की जो आपकी रिवर्स है ना वो माउंट कैलाश के दूसरी दूसरी साइड से निकल रही है. ठीक है, वी वर वेरी क्लोज टू द ग्रेट माउंटेन माउंट कैलाश. और वो बोल रहे हैं कि हम कैलाश पर्वत के बहुत पास हम लोग पहुंच चुके थे, बहुत पास हम लोग आ गए थे. एंड आई वॉज वेरी ईगर टू मूव अहेड टू रीच देयर. और अब मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था, आई वॉज वेरी ईगर कि बस अपन जल्दी से वहां पर पहुंच जाएं. ठीक है बच्चे पार्टी, ऑल राइट. अब आगे क्या हुआ, बट आई हैड टू वेट. Satan told me to go and drink some tea in horse only cafe, which like all the other buildings in town was constructed from badly painting concrete and had 3 broken windows. The good view of the lake through one of them helped to compensate. Compensate क्या होता है? To reduce the effect. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई कल मेरी छुट्टी हो गई थी तो आज compensate करने के लिए मैं 2 घंटे की क्लास लूँगी, है ना, ले नहीं रही, बट अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, कि किसी चीज़ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ और कर देना. ठीक, फॉर दी ड्रॉट, ड्रॉट मतलब फ्लो ऑफ एयर. तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, वो बोल रहा है कि भाई देखो मैं तो बहुत ज़्यादा ईगर था, मैं बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा था वहाँ पे पहुँचने के लिए, बट मेरे ड्राइवर ने बोला कि भाई देखो आपको थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो और मेरे ड्राइवर ने मुझे एडवाइस किया कि जाओ आप जाकर थोड़ी सी चाय पी लो. ठीक है, और कहाँ पर पी लो चाय, उस पूरे के पूरे गाँव में केवल एक ही कैफे था. ठीक है, उस पूरे के पूरे जो वो था हॉल, उसमें केवल एक ही कैफे था. एंड वो बोल रहे हैं जैसे गांव की बाकी बिल्डिंग थी ना बहुत ही ज़्यादा पुअरली कंस्ट्रक्टेड, एकदम डल पेंट, वैसे ही ये कैफ़े भी हो रखा था. कैफ़े के अंदर 3 टूटी हुई खिड़कियां थी. यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी कभी कैफ़े के बारे में भी पूछ लेते हैं. एंड आई कुड सी अ व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ द विंडोज़. ठीक, और क्या बोल रहे हैं कि भाई पुअरली कंस्ट्रक्टेड यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग थी, 3 उसमें टूटी हुई खिड़कियाँ हैं, और मुझे पर एक विंडो से ना बाहर लेक का व्यू दिखाई दे रहा है. एंड ये जो व्यू है, ठीक है, ये क्या, इस व्यू से क्या हो रहा है, ये जितना भी मुझे गंदगी दिख रही है ना उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है. इस विंडो से मुझे थोड़ी हवा भी आ रही है, और अगर मैं इस विंडो से बाहर देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, वरना अंदर तो कुछ भी देखने लायक नहीं है. ठीक है, अब आगे क्या हुआ, वो बोलता है कि अब मैं उस कैफ़े में जाके बैठा, और एक चाइना का आदमी था जिसने मुझे चाय ऑफ़र करी, चाय वहाँ पे सर्व करी. वो यंग था और उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था. उसने एक डर्टी से, गंदे से, पुराने कपड़े से ही मेरा जो टेबल है वो साफ़ कर दिया, तो टेबल और ऑयली हो गया. आपने भी देखा होगा अपने घर की किचन में, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा बेटा कि अगर हम जिस किचन के कपड़े से अगर बार बार साफ़ कर रहे हैं, है ना, अगर वो गंदा कपड़ा और हम अगर उसी से बार बार साफ कर रहे हैं तो वो साफ होने की जगह ना ऑयली हो जाता है सरफेस, क्योंकि आप साफ सफाई कर ही कहाँ रहे हो, आप तो गंदगी दोबारा ला रहे हो ना. तो वही चीज़ है कि वो बार बार ही गंदे कपड़े से सारे टेबल साफ करके तो वो टेबल और ज़्यादा ऑयली हो गया. ही ब्रॉट मी अ ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी. तो नरेटर बताते हैं कि वो जो यंग सा लड़का था वो मेरे लिए क्या लाया, एक थर्मस में चाय लाया और मेरे लिए एक ग्लास वो लेकर आया. अब वो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर अकेला था. हाफ एन आवर के बाद जो मेरा ड्राइवर है वो भी कैफ़े में आता है, एंड उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि हम लोग वहाँ से निकलते हैं. एंड देन पूरे टाउन में इतनी गंदगी होती है, बट हम लोग रॉक्स को पास करके, उस गंदगी को पास करके वहाँ से निकलते हैं. हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ताकि हम लोग माउंट कैलाश की तरफ पहुँच पाए. ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर. अब आगे क्या हुआ, माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट. इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत. ठीक है, बिल्कुल विपरीत. टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर फर्स्ट एनकाउंटर विद लेक मानसरोवर. फर्स्ट एनकाउंटर मतलब फर्स्ट विजिट. अभी वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, नरेटर बोल रहे हैं कि भाई जो मेरा अनुभव रहा ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर इस गाँव का, हॉर का, वो बहुत अपोजिट था. किसके अपोजिट था, कुछ लोगों के. कौन से लोग, जो पहले आ रखे हैं माउंट कैलाश पे. अब देखो पहले कुछ लोग आए माउंट कैलाश, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा कि भाई मेरी जर्नी ऐसे हुई, मैंने ये देखा, वो करा ऐसे. तो वो बोल रहे हैं जो मैंने पढ़ा और जो मैंने खुद देखा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं, बहुत ज़्यादा विपरीत हैं. ठीक है, यही बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं पहले एक जापानीज मॉन्क आया था इकेई कावागुची करके, वो मानसरोवर लेक आया था इन 1990 और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया यहाँ की प्योरिटी देख के कि इतनी ज़्यादा प्योर जगह है कि वो रोने लग गया, ही स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर वो बोल रहे हैं कि थोड़े सालों बाद द हैलोड यानी कि जो होली वाटर है कि जो लेक मानसरोवर है, सिमिलर सा इफेक्ट पड़ा स्वेनहेडेन पे। ये स्वीड से था, ठीक है, ये स्वीडन से आया था लेक मानसरोवर विजिट करने एंड इस पे भी उसी तरीके का प्रभाव पड़ा था। एंड ये एक ऐसा आदमी था, चलो वो तो रो लिया बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था, ये इतनी जल्दी रोने वालों में से नहीं है, ये इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बट सोचो ये तब भी वहाँ पे इतना इमोशनल हो गया, ये भी वहाँ पे रोने लग गया। तो बोला जा रहा है कि ये लोग यहाँ आए, इन्होंने स्वच्छता देखी, इतनी ज़्यादा प्योरिटी देखी, यहाँ पर आकर ये लोग रोने लग गए। बट मैं टाउन ऑफ और को देख रहा हूँ और मेरा तो बिल्कुल एक्सपीरियंस इनसे अपोजिट रहा है, इनसे विपरीत ही रहा है। अब वो बोल रहे हैं व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम हॉर इट वाज ऑलरेडी डार्क, कि जब हम वहाँ हॉर के कैफे से निकले थे तो ऑलरेडी शाम होना शुरू हो गई थी, डार्कनेस होना हो गया था। 10:30 बजे के बाद हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुके डार्चेन में, ठीक है, डार्चेन नाम का एक गांव था, तो हम लोग वहाँ रात के लिए रुक गए क्योंकि 10:30 बजे के बाद ड्राइव करना ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ माउंटेन साइड। सो दैट नाइट वॉज येट अनदर नाइट फुल ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि ये जो अब हम इस रात को रुके तो ये वाली रात भी फुल ऑफ ट्रबल से भरी हुई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का मुझे यहाँ पर भी रुककर सामना करना पड़ा। क्या सामना करना पड़ा, लेट्स सी। तो वो बोलते हैं जब मैं हॉर में वॉक कर रहा था तो मुझे दोबारा से कोल्ड हो गया था, एक बार याद है ना उनको गाड़ी में बैठ के हुआ था। अब वो बोल रहे हैं जब मैं हॉर टाउन में था तो मेरे को ना दोबारा से वहाँ पे कोल्ड हो गया था, प्रॉबेबली जो सारा गंध था उससे मे भी हो सकता है मुझे एलर्जी हो गई हो, बट एक्चुअली चाय पीने के बाद भी मेरा जो कोल्ड है वो ठीक नहीं हुआ था। अब वो आगे बता रहे हैं कि मेरी जो एक नाक है ना, एक नोस्ट्रिल, वो ब्लॉक हो चुकी थी। जब हमें भी बच्चों सर्दी लगती है, हमें भी कोल्ड होता है तो क्या होता है, हमारी नाक बंद होती है कि नहीं होती, बताओ इन द कमेंट सेक्शन। होती है ना, नाक बंद हो जाती है ना एक, फिर मम्मी हमें स्टीम देती है, फिर हमें थोड़ा बेटर लगता है विक्स वगैरह लगा के। तो वैसे ही वो बोल रहे भाई मेरी तो एक नाक कंप्लीटली बंद हो चुकी थी एंड आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू ब्रीथ थ्रू द सेकेंड नोस्ट्रल। वो बोल रहे हैं मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी कि भाई मैं मेरी दूसरी नाक से भी सांस ले पाऊंगा कि नहीं। वी वर नाउ एट 4760 मीटर्स अबव सी लेवल। अब और ऊपर है ना, तो बता रहे हैं कि हम लोग 4760 मीटर्स अबव सी लेवल पे ऑलरेडी हैं। द हाइट ऑफ द टाउन वॉज नॉट मच हायर देन दैट ऑफ रावू। तो वो बोल रहे हैं कि ये टाउन जहाँ जितनी ऊपर है ना, ये रावू से ज़्यादा ऊपर नहीं है। बट एट रावू मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट आई फेल्ट द नीड टू ब्रीथ डीपली। और जब मैं रावू में रुका हुआ था तो बहुत बार मुझे वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ऐसे डीप ब्रेथ्स वहाँ पे लेने पड़ रहे थे। अब ऐसे डिस्टर्बेंसेस का मैं यूज टू हो गया हूँ, यानी कि अगर मैं ऊपर माउंटेन साइड ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को तो लग रहा है कि ये कोल्ड मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और ये डिस्टर्बेंसेस मुझे होती रहेंगी। और आपने भी देखा होगा जब भी हमें खांसी जुकाम होता है ना तो वो रात में ज़्यादा प्रभाव डालता है, आपने देखा होगा है ना, कि रात के समय वो आपको ज़्यादा तंग करेगा कि अगर आप रात में लेट रहे हो तो खांसी होना शुरू हो जाएगी, फिर आपको उठने बैठना पड़ेगा, या रात में लेट रहे हो तो जुकाम ज़्यादा, आपकी नाक पूरी बंद हो जाएगी, है ना। तो वो बोल रहा है कि अब मैं यूज टू हो गया था बट मुझे डर भी लग रहा था। डर क्या लग रहा था कि यार इतना थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ, रात में नींद आएगी नहीं। तो बहुत इरिटेशन होती है जब आपको सोने का मन करता है बट आप सो नहीं पाते हो, राइट। सो वो बोल रहा है कि मैं थका हुआ था, मैं हंग्री था, आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। अब भाई नाक से अगर सांस नहीं ले पा रहा हूँ तो किससे, मुंह से ही तो लूँगा, है ना। आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू वन नोस्ट्रेल। अब थोड़े देर बाद मैंने मेरी एक नाक से सांस लेना शुरू करा। थोड़े टाइम के लिए तो सही चला, मुझे लगा हाँ ठीक है, बट मैंने जब सोने की कोशिश करी तो मैं सडनली उठ के बैठ गया। आई सडनली वोक, ठीक है, अब्रप्टली लिखा है ना, अब्रप्टली सडनली, कि मैं एकदम से उठ के बैठ गया। आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग वॉज हैपनिंग टू मी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से ना कुछ सही नहीं है, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। आई फेल्ट माई चेस्ट हैड बिकम हैवी। और मुझे क्या लग रहा था कि मेरा जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा था। आई सैट अप, तो वो उठ के बैठ जाते हैं। दिस इमीजिएटली क्लीन माई नोस्ट्रल। और जैसे ही मैं उठ के बैठा वैसे मुझे ठीक फील हो रहा है। जैसे ही मैं लेट रहा हूँ मुझे दोबारा से मेरा चेस्ट हैवी लग रहा है और पूरा नाक मुझे भरा हुआ लग रहा है। सो आई वॉज एबल टू ब्रीथ, आई फेल्ट रिलीफ इन माई चेस्ट, आई फाउंड इट स्ट्रेंज। वो बोलता है ये तो बड़ी अजीब सी बात लगी मेरे को, है ना, कि जैसे ही मैं उठ के बैठ रहा हूँ सब सही, और जैसे ही मैं लेट रहा हूँ और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो सारी चीजें खराब हो रही है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक बारी प्लीज मुझे फटाफट से बता दो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर यहां तक अपने को क्लियर है। ऑल राइट, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? आगे वो बोलते हैं I lay down and tried again. Same result. I was on the point of disappearing into the lands of Nod. Land of Nod मतलब state of sleep. कि जैसे ही मैं सोने लगता दोबारा से मेरे साथ सेम प्रोसेस रिपीट पे चलने लगता। When something told me not to, it must have been those emergency electrical impulses again. But this was not the same as on previous occasion. This time I wasn't gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. क्या बात हो रही है बेटा यहाँ पर, समझते हैं। देखो लिखा है कि आई अगेन लाई डाउन एंड ट्राई टू स्लीप, कि मैं दोबारा से लेट गया और मैंने दोबारा से सोने की कोशिश करी। दोबारा से मेरे साथ सेम चीज हुई, जैसे ही मैं लेटा मेरा चेस्ट ने हैवी फील करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं सोने वाला होता तो मेरे अंदर से एक आवाज आती कि नहीं सोना तेरे को। अब जैसे मेरे साथ है कि मैं अकेले नहीं सो सकती, है ना, अगर मैं लेटी हुई हूँ और मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरे को एकदम से आएगा नहीं तू आंखें खोल ले अपनी, ठीक है, मतलब ऐसे। तो इट्स लाइक वो एक सडन इम्पल्स उसके साथ भी हो रहा था कि जैसे ही वो सोने जा रहा है तो वो नहीं सो पा रहा है। उसे ऐसे लग रहा था कि उसे दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह कहीं से लग रहा है, बट वो बोल रहा है ये पहले की तरह नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि रात में मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था रावू में, और मैं उठ के सांस लेना चाहता था, बट इस टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही मैं सो रहा हूँ वैसी कोई ना कोई दिक्कत बेटा आ जा रही है। Sitting up once more immediately made me feel better. तो मैं दोबारा से उठ के बैठ गया और दोबारा से मेरे को फिर से बेटर फील होने लगा। I could breathe freely and my chest felt fine. बोला है कि मैं आराम से फ्रीली ब्रीथ भी कर पा रहा हूँ, मेरा चेस्ट भी सही हो जा रहा है जैसे मैं उठ के बैठ रहा हूँ। बट जैसे मैं लेट रहा हूँ तो मेरे जो नॉस्ट्रल्स हैं वो दोबारा से बंद हो जा रहे हैं एंड मुझे सेम प्रॉब्लम रिपीट पे हो रहा है। आई ट्राइड प्रॉपिंग, प्रॉपिंग मतलब सहारा लेना, सपोर्ट लेना वॉल का। तो ऐसा होता है ना जो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं, हमारे साथ भी होता है ना, होता है कि नहीं, कि भाई ऐसे ऐसे टेक लगा ले थोड़ा सा और ऐसे ही सो जाता हूँ। तो उसने भी यही सोचा कि मैं वॉल का सहारा ले लेता हूँ, बट अब वो बोल रहा है कि नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। कहने का क्या मतलब है, बट अभी मुझे कुछ रिलीफ फील नहीं हो रहा इतना ज्यादा, तो मैं नहीं सो पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उसके साथ क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे क्या हुआ? आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रीजन बट आई वॉज अफ्रेड टू स्लीप। बोल रहा है देखो भाई मेरे को रीजन तो नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, बट मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मैं सो नहीं पा रहा था। अ वॉइस विद इन मी वॉज वार्निंग मी, एक आवाज आ रही थी मेरे अंदर से, ऐसा बोला जा रहा था भाई देख अगर तू सो गया ना तू मर जाएगा, तो तू मत सो। तो वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था तो इसलिए मैं पूरी रात जगा रहा। अब अगली मॉर्निंग मेरे ड्राइवर के साथ मैं मेडिकल कॉलेज गया। तो यहीं पे डार्चन में इसी गांव में एक मेडिकल कॉलेज है। अब जो मेडिकल कॉलेज है वो एक नई बिल्डिंग है, अभी अभी बन रहा है वो, एंड वो ऐसी जगह लग रही थी बाहर से देखने में, है तो वो एक मेडिकल कॉलेज बट बाहर से देखने में वो ऐसी जगह लग रही थी जैसे कि यहाँ पर मॉन्क्स रहते हों। इट हैड अ वेरी स्ट्रांग डोर, अब उसका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दरवाज़ा था, बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था। तो वो बोलता है कि इस डोर से हम लोगों ने क्या करा बेटा, अंदर एंट्री ली। ठीक है, तो इस डोर से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री ली। मेडिकल कॉलेज वो क्यों गए थे कि भाई मेडिकल कॉलेज है कोई ना कोई डॉक्टर तो ऑफकोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, कि कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पर फॉर श्योर हमको मिल जाएगा, और भाई डॉक्टर मिल जाएगा तो उससे हम लोग पूछ लेंगे कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मेरे को दवाई मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। आज मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ कमेंट सेक्शन में, तो जिसका जो मन कर रहा है वो चल रहा है ना। नहीं पढ़ना बंद कर देती हूँ क्लास 11th की लाइव क्लासेस, क्लास 12th की लाइव क्लास शुरू कर देती हूँ इंस्टेड। अब तो सिलेबस भी खत्म है ना, क्लास में तुम्हें वैसे ही नहीं आना। क्लास 10th के बाद बिल्कुल सेल्फिश बच्चे हो जाते हैं हम, है ना, कि टीचर जितना मर्जी मेहनत कर ले एफर्ट मार ले हमें नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना हमको, हमारा जब पेपर होगा उससे एक दिन पहले हम पढ़ लेंगे, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना? तो ठीक है, ये सिल्क रोड के बाद नो मोर लाइव क्लासेस फॉर क्लास 11th, ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर यू गाइज एंड आई विल स्टार्ट क्लास 12th की लाइव क्लास अलॉन्ग विद क्लास 10th। खत्म, ठीक है? नो मोर ड्रामा। आज मैंने सोचा यार चलो इग्नोर करो, क्या ही बोलना, पढ़ाने पे फोकस करो, बट नहीं, मैम इग्नोर कर रही है तो समझ लेते हैं कि मैम इज ब्लाइंड, शी कांट सी एनीथिंग। ओके, आगे क्या हुआ? वी वेंट टू द रूम ऑफ अ डॉक्टर, तो वो उस मेडिकल कॉलेज में चले गए एंड नाउ वो अंदर जा रहे हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। एंड ये जो कंसल्टिंग रूम था, वो बोल रहे हैं यानी कि जिस कमरे में मैं गया डॉक्टर के पास, वो रूम एक तो बहुत डार्क था, दूसरा बहुत ठंडा हो रखा था, बहुत कोल्ड था। एक तिब्बतियन डॉक्टर वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने कोई यूनिफॉर्म वगैरह, मतलब डॉक्टर कैसे बैठते हैं व्हाइट कोट में, स्टेथोस्कोप होता है, तो वो बोल रहे हैं कि एज सच कोई भी यूनिफॉर्म यहाँ पर उन डॉक्टर्स ने नहीं पहनी हुई थी, ठीक है, ना ही व्हाइट कोट। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतियन विद अ थिक पुलोवर, पुलोवर मतलब कोट, एंड अ वुली हैट। व्हेन आई एक्सप्लेन माय स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माय सडन अवर्जन, अवर्जन क्या होता है? अनविलिंगनेस, कि कोई चीज़ आपको नहीं करनी। टू लाइंग डाउन ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल फीलिंग द वेन्स इन माय रिस्ट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? बोला जा रहा है कि डॉक्टर ने भाई व्हाइट कोट नहीं पहना हुआ था, उसने एक थिक कोट पहना हुआ था और एक वुलन हैट उसने पहन रखा था, एंड वो एक नॉर्मल तिब्बतियन की तरह ही लग रहा था। तो वो बोल रहा है कि मैंने उसको बताया कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया, ठीक है, मैं मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं सोऊं, मुझे डर लग रहा था, सब मैंने बताया। तो वो बोलता है कि भाई उसने कुछ क्वेश्चन पूछे सामने से मुझसे, एंड देन उसके बाद मेरी जो पल्स है वो चेक करी, और मेरी पल्स चेक करने के बाद उसने बोला, उसने ड्राइवर को बोला अपनी भाषा में कि भाई कुछ नहीं हुआ है ये, क्योंकि ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गए हैं, हाइट पे आ गए हैं, हाइट पे रहने की आदत है, हम जैसे लोग वहाँ चले जाएं तो हमें कुछ ना कुछ होगा ही, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा, नहीं तो बीपी कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बोलते कि इट्स जस्ट कोल्ड, और क्योंकि ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गए तो उस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, बस। ही सेड दैट ही वुड गिव मी सम मेडिसिन, उन्होंने बोला मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। एंड वो ड्राइवर से क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि वो जो नरेटर जिस भाषा में बात करते वो उन्हें नहीं आती थी, उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज ही आती थी, और ड्राइवर कम्युनिकेट मतलब पूरा ट्रांसलेटर का रोल वो निभा रहा था। आई आस्क्ड द डॉक्टर इफ आई विल बिकम ऑल राइट टू कम्प्लीट माई कोरा, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, मतलब अपने ड्राइवर को बोला भाई पूछ इनसे कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा, कि मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पे कोरा परफॉर्म करने के लिए वो मैं कर सकता हूँ। सो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बहुत ही जल्द यहाँ पर रिकवर हो जाओगे। अब आगे वो क्या बोलता है, यहाँ पर क्या लिखा है लाइंस में, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो वो बोलता है कि भाई मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आ गया, मैंने एक एनवेलप पकड़ रखा था, ठीक है, अब मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में भाई एक एनवेलप है, इस एनवेलप के अंदर 15 ओहो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो इस एनवेलप के अंदर बोला जा रहा है कि 15 क्या है, छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, ठीक है, 15 छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, पेपर के बने हुए, ऐसे बोलते हैं ना पुड़िया सी बनी हुई, ठीक। तो एक एनवेलप है बड़ा, एनवेलप के अंदर 15 छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, एंड डॉक्टर हैड गिवन मी मेडिसिन फॉर 5 days, और ये 5 दिन तक उन्होंने लेने के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला मैंने तुरंत ही दवाई लेना शुरू कर दिया, मैंने जो ब्रेकफास्ट के बाद दवाई खानी थी वो फटाफट से पैकेज खोला और खाई। वो एक ब्राउन पाउडर सा था जिसे ना पानी के साथ लेना था, चूरन टाइप, ठीक है, तो एक ब्राउन पाउडर सा था जिसे पानी के साथ लेना होता था। अब आगे क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये किसकी तरह टेस्ट कर रहा था, सिनेमन की तरह टेस्ट कर रहा था, और वो बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि लंच टाइम की और नाइट टाइम की मेडिसिन कौन सी है, क्योंकि दोनों में ही सेम ब्राउन कलर की टैबलेट्स थी राउंड शेप की, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर हो गया था। दे लुक लाइक पूप ऑफ शीप तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसकी तरह लग रहा था, शीप की पूप की तरह लग रहा था। बट आई टुक दिस मेडिसिन्स, बट वो बोलते हैं कि मैंने वो दवाइयाँ ले ली। आई टुक कंप्लीट कोर्स, के उस दिन की जो मेरी कंप्लीट दवाई थी कि लंच के बाद, डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद ये लेना है, मैंने वो सब ले लिया। एंड देन वो दवाई लेकर मेरे को एक प्रॉपर नींद फाइनली बच्चों रात में आ गई। अब आगे क्या हुआ, नाउ सेटन अंडरस्टूड दैट मेडिसिन्स वर शोइंग डिजायर्ड रिजल्ट, और अब मेरे ड्राइवर को भी पता चल गया कि हाँ भाई मैंने दवाई खा ली, तो अब दवाई से क्या हो रहा है, जो रिजल्ट्स थे यानी कि जो मेरी सेहत सही होनी थी वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू लहासा. तो उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया और उसने बोला कि अब वो वापस जा रहा है यहाँ से लहासा. He told me that according to the culture of Buddhism, it does not matter if somebody lives longer or dies earlier. तो वो क्या बोल के जा रहे हैं कि देखो भाई बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मैटर नहीं करता कि आप कितना जी रहे हो, कि कोई लंबा जी रहा है कोई पहले मर रहा है. बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती. बट हाँ, अगर एक पैसेंजर की डेथ हो जाती है तो देन इट्स नॉट गुड फॉर माई बिजनेस, फॉर टूरिज्म, है ना. लोग क्या बोलेंगे कि ये लाया था और इसकी डेथ हो गई. बोलता है कि आप मरने वरने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको डॉक्टर को नहीं दिखाया. बट एट द सेम टाइम फ़र्क पड़ता है कि भाई अगर कोई यहाँ पर आया है और फिर वो जो टूरिस्ट है वो मर गया, ठीक है. सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस ऑफ टूरिज्म. अब आगे क्या हुआ, इन सारी लाइंस में क्या लिखा है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे लिखा है आफ्टर अ साउंड स्लीप ऑफ द नाइट, कि जब मैं रात में, ये लास्ट स्लाइड है ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, कि जब मैं रात में अच्छे से सो गया. सो जो दार्जिन का टाउन था डिड नॉट लुक सो बैड टू मी, कि ये वाला टाउन मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था. It was full of dust and neglect. Many heaps of broken stone and waste were lying here and there. Sun was shining bright in the clear blue sky. Therefore, I could have a glimpse of Himalayas in the southern direction. कि यहाँ पर भी rocks वगैरह थे, dust वगैरह था, sun जो था वो चमक रहा था और southern direction से मेरे को Himalayas दिखाई दे रहे थे. जो Himalayas का top था that was full of snow. And मुझे वहाँ से एक गर्ला मंदता mountain भी दिखाई दे रहा था जो कि तिब्बत का सबसे highest peak है. एंड इस पीक के पास, यानी कि इसकी चोटी के पास, देयर वॉज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लाउड, बादल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है बच्चे पार्टी, सो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे. अभी बहुत ही कम हमारा चैप्टर बचा हुआ है जो कि हम कल की क्लास में ख़त्म करेंगे अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन आंसर्स. ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज़ अ ट्रैवलॉग, पूरा का पूरा ट्रैवल के बारे में बताया कि उनकी यात्रा कैसी है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में. तो अभी जो हमारा चैप्टर बचा है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है. कल हम 15-20 मिनट में चैप्टर ख़त्म कर लेंगे एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर्स. ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. कमेंट करना मत भूलना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी. मैं आप सभी से मिलूंगी बेटा जी कल एट द सेम टाइम 8 PM. ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, जिसने भी नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक है ताकि आपको स्लाइड्स मिल जाए.